हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फ एंड सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। आज का जो टॉपिक है, यहाँ से नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा सर्कुलेटरी पाथवे वाला टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा लिंक करता है एनिमल किंगडम चैप्टर से। अगर आपने वो चैप्टर देखा हुआ है तो अच्छी बात है, वरना आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक्स नहीं देखे, तब भी आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, हमने सबसे पहला जो टॉपिक था, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ब्लड का काम क्या होता है। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हर एक टिश्यू और सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, और वहां पर जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है उसको वहां से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये जो मेनली वर्क होता है, ये होता है ब्लड का, और इसीलिए हम जो है वो ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक सेल्स तक कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हमने वहां पर जब ब्लड के कंपोनेंट पढ़े थे, तो वहां पर हमने टू टाइप्स के कंपोनेंट पढ़े थे, प्लाज्मा एंड आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा आपका 55% था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके 45% थे। तो अब यहाँ पर ये एक नई चीज क्या आई है, टिश्यू फ्लूइड निकलकर, जिसे हम लिम्फ भी बोलते हैं। तो इसको समझते हैं, हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ताकि फिर जब हम रीड करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें चीजें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमारी एक कैपिलरीज बना देते हैं, ये एक कैपिलरी हो गई, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड सप्लाई हो रहा है। ये ए वाली जो हमने बनाई है, ये हमारी क्या हो गई, ब्लड कैपिलरी हो गई। अब इसी के पास हम बना देते हैं एक टिश्यू, मान लीजिए यहाँ पर एक टिश्यू है ये, ओके, इसको नाम देते हैं बी। तो ये जो बी है वो क्या है, एक टिश्यू है। अब टिश्यू किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ सेल्स बना देते हैं, कि ये जो सेल्स है इन्हीं से मिलकर बना है हमारा क्या, ये टिश्यू। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ओके। अब जो ब्लड होता है उसकी सप्लाई करने का काम होता है, यानी जो वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करता रहेगा, तो यहाँ पे ब्लड जो वो कंटिन्यू सर्कुलेट भी होता रहेगा बॉडी के अंदर। अब होता क्या है, जब यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरीज वगैरह होता है, कुछ एक फ्लूड जो ब्लड से ही कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं इस टिश्यू के अंदर में। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए क्यों, क्योंकि देखिए ब्लड जो है वो टिश्यू तक पहुंच जाएगा, बट टिश्यू के अंदर आपको कैपिलरीज वगैरह, वेंस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, बट टिश्यू सेल से मिलकर पहुंचता है, और हर एक सेल तक हमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जरूर जरूर पहुंचानी है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, कि ये जो ब्लड है उसके कुछ कंपोनेंट्स, जैसे वाटर हो गया, या ओके कुछ स्मॉल प्रोटीन वगैरह हो गए, ओके, तो वो कंपोनेंट जो होते हैं वो यहाँ से निकल कर, जो ब्लड कैपिलरीज से निकल कर उस टिश्यू के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होता है जो निकल कर आता है ब्लड से, वो लगभग सेम होता है प्लाज्मा जैसा। जैसे प्लाज्मा के अंदर जो कंपोनेंट होता है आपका, मेनली जो क्या होता है, सबसे मेनली वाटर होता है 90% से, कुछ एक उसमें प्रोटीन होते हैं, ऐसी जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर भी मिलती है, जो कि आपके टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड आया है। अब ये जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड आया है, इसी को बोला जाएगा टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से ब्लड से जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आए वो हर एक सेल तक पहुँचा देगा, वो हर एक सेल्स तक पहुंचा देगा, जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आता है उसको, ओके। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ठीक है भाई, ब्लड से कुछ कंपोनेंट, ओके, जो मेजर जो लार्ज प्रोटीन वगैरह होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, थ्रोम्बोसाइट वगैरह होती है, वो निकल कर नहीं आती, वो तो ब्लड की ब्लड में रहती है। मेनली जो कंपोनेंट प्लाज्मा के अंदर होता है, जैसे मेनली वाटर हो गया, कुछ स्मॉल प्रोटीन वगैरह हुई, वो निकल कर आ जाती है टिश्यू के अंदर, और वो हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करती है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। अब अगर ऐसा होता रहा कि बार बार यहाँ से ब्लड से जो है वो फ्लूइड बाहर रिलीज होता रहा, तो ब्लड जो है वो कम होने लगेगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसको वापिस हमें ब्लड के अंदर सप्लाई देनी ही पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक और यहाँ पर कंपोनेंट बनाते हैं, ये ए वाला था वो हमारा ब्लड सप्लाई था, बी हमारा टिश्यू था, तो यहाँ पर एक सी कंपोनेंट बना लेते हैं। अब ये सी कंपोनेंट क्या करेगा, जो इस टिश्यू के अंदर जो भी फ्लूइड आ रहा है, तो यहाँ पर ये बाहर रिलीज होगा, तो यहाँ पर ये कलेक्ट कर लेगा, सी जो होगा वो क्या कर लेगा, इसको कलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है वेसल्स, ये इस फ्लूइड को कलेक्ट कर लेगी, और ये जो सी वाला है इसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और ये जो फ्लूइड कलेक्ट किया जा रहा है इसी को बोलते हैं हम लिम्फ। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, एक तरह से जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो कलेक्ट करने के बाद वो जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाता है उसी को हम बोलते हैं लिम्फ, और फिर ये लिम्फ क्या होता है, कुछ टाइम तक लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू चलता है, बाद में इसको वापस किसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है, ब्लड के अंदर। क्यों, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो सेम ब्लड की है, यहाँ से ब्लड से वो रिलीज होकर टिश्यू के अंदर चली गई थी, और फिर टिश्यू से वापस उसको कलेक्ट करके वापस ब्लड में डाल दिया, तो मेनली वो जो ब्लड की चीज़ थी वो ब्लड के अंदर ही
आ गई है। तो ऐसा कुछ होता है हमारा टिश्यू फ्लूइड यानी जिसे लिम्फ भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, तो ब्लड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू पास होता हुआ हर एक टिश्यू तक पहुंचता है। इन टिश्यूज सम वॉटर अलॉन्ग विद मेनी स्मॉल वॉटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इन टू द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू लिविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। तो यहां पर यही बताने की कोशिश की गई है कि यहां पर जो टिश्यू के अंदर जो ब्लड होता है उसमें से ज्यादातर वॉटर, कुछ तो वॉटर होता है मेनली, तो वॉटर कंपोनेंट होता है और उसके साथ कुछ स्मॉल वॉटर सोल्यूबल सब्सटेंस वगैरह होते हैं जो कि उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स के बीच में स्पेस है वहां पर आ जाता है। अब जो ब्लड होता है उसके अंदर आपको लार्जर प्रोटीन और जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह है वो तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगी, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी मेनली और जो आपकी थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह है, ओके, ये ज़्यादातर किसके अंदर रहेगी, ये तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगी। बट कुछ वाटर वगैरह, कुछ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट वगैरह ऐसे जो सोल्यूबल हो सकते हैं उसके अंदर, वो मिक्स होकर कहाँ पे आ जाते हैं, टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो आपका टिश्यू के अंदर फ्लूइड आ गया, इसी फ्लूइड को बोला जाता है, दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टीशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। तो इसी को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या फिर इसका सेकेंड नाम बोल सकते हो आप, इंटरस्टीशियल फ्लूइड भी बोला जा सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ओके, इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। तो मैंने आपको जो बताया था कि जो सेम मिनरल्स वगैरह जो प्लाज्मा में होते हैं वही टिश्यू फ्लूइड के अंदर होते हैं। तो प्लाज्मा में जो भी मिनरल होंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी वही देखने को मिलेंगे। अब ये काम क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो क्योंकि टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं तो हर एक सेल्स तक पहुंचाने का और ब्लड से लेके और वापस जो वेस्ट मटेरियल बना वो वापस ब्लड तक पहुंचाने का काम किसका होगा, इसी टिश्यू फ्लूइड का होगा, क्योंकि ब्लड जो है वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड से वो एक वेन्स होती है जिसे हम लिम्फेटिक वेसल्स भी बोलते हैं, वो सारा टिश्यू फ्लूइड वापस कलेक्ट करती रहेगी, वापस ब्लड में आता रहेगा, ऐसा पूरा एक सिस्टम नेटवर्क बना रहेगा। मतलब पहले ब्लड से कुछ जो है वो टिश्यू के अंदर जाएगा, टिश्यू से वापस कलेक्ट होगा, फिर ब्लड में डाल दिया जाएगा, फिर ब्लड से वापस रिलीज होगा टिश्यू के अंदर, टिश्यू से कलेक्ट होगा, वापस डाल दिया जाएगा, ये एक साइकिल चलती ही रहती है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। और जो वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट होकर जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड आ चुका है उसी को बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड। तो लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। प्लाज्मा का हमने बताया ना पेल येल्लो जो कलर होता है कुछ ऐसा, बट लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर वो स्पेशल लिम्फोसाइट्स भी होती है, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह जो होती है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के अंदर वर्क करती है। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स कौन से होते हैं, आपके जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, ये सब कुछ भी हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, तो वहाँ से भी आप लिंक करके पढ़ सकते हो। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। तो लिम्फ जो है वो सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई करता है, इसके अलावा हॉर्मोन की सप्लाई भी करता है, कौन आपका लिम्फ। ओके, तो यहां पर हमने बात की थी कि दो कंपोनेंट होते हैं जो इन चीजों का काम करते हैं, एक लिम्फ होता है, एक आपका ब्लड होता है। तो एक्चुअल में जो लिम्फ है वो ब्लड का ही कंपोनेंट है, क्योंकि ब्लड ही जो था वो आपका किसके अंदर गया, टिश्यू के अंदर, टिश्यू से निकलकर वो कहां पे आ गया, लिम्फेटिक वेसल्स में। तो अल्टीमेटली वही चीजें थी। फेट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विलाई। और ये तो हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा भी था, डायग्राम भी देखे थे कि लैक्टियल क्या होती है, जिसे हम लिम्फेटिक वेसल्स भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन विलाई के अंदर, जहां पर आपकी फेट्स जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। और हमने वो भी देखा था कि फेट्स जो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो प्रोटीन कोट के थ्रू वगैरह ऐसे करके होती है। ओके, बट यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आए हैं तो यहां पर हमारे डिस्कस करने वाले भी नहीं है। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। तो यहां पर हम देखिए दो चीजें पढ़ेंगे, पहला चीज पढ़ेंगे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। अब हार्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, ज्यादातर हम देखेंगे टू चैम्बर, थ्री चैम्बर और फोर चैम्बर हार्ट के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। अब आपको बता रहा हूं ये पूरा पैराग्राफ जो होता है वो लिंक करता है हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर से, दोबारा बता रहा हूं, और हमने आपको बता चुका है ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप एक बार रीड कर लीजिए, आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप,
ओपन और क्लोज। तो सर्कुलेटरी पैटर्न टू टाइप के होंगे, ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी का क्या मतलब होता है, जहां पर जो आपकी कैपिलरीज वगैरह, आर्टरीज और वेन्स वगैरह वो वेल डेवलप्ड नहीं होती है, तो ब्लड जो होता है वो आपके हार्ट के अंदर आता है और वहां से पंप कर दिया जाता है। थोड़ी बहुत ही जो होती है वो आपकी वेसल्स वगैरह होती है, और फिर पूरी एक ओपन कैविटी होती है पूरा का पूरा, जिसे साइनस भी बोलते हैं। और ये चीज हमने कॉकरोच के अंदर भी बहुत अच्छे से भी स्टडी की थी, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर, कॉकरोच के अंदर भी हमने हार्ट देखे थे, वहां पर आपने 13 चैम्बर हार्ट तक देखे थे, तो वहां पर ऐसा कुछ होता है। तो यहां पर ये जो चीजें थी, वहां पर जब ओपन फ्लूड के अंदर जा रहा था उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इससे रिलेटेड आपका एनिमल किंगडम में क्वेश्चन भी आया था, वो भी हमने डिस्कस किया था और आपको बताया था, वहां पर भी ये ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, वही चीज रिपीट हो रही है। अब ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो अलग अलग फाइलम में प्रेजेंट होती है, कौन सी, इन आर्थ्रोपोडा एंड मेलुस्का। इसके अलावा और भी फाइलम थी, अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का के अंदर जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब देखिए, आप एनिमल किंगडम के अंदर अलग अलग फाइलम पढ़ते हो, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टेलोफोरा, प्लेटियलमंथिस, स्कलमंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोनोड्रोमेटा, एमिकोडेटा, और फिर कोडेटा के अंदर भी आप अलग अलग सुपर क्लास पढ़ते हो और फिर उसके अंदर क्लास भी पढ़ते हो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वहीं की बात कर रहा है ये सब कुछ। तो ये जो आर्थ्रोपोडा मोलुस्का वो वही फाइलम है। अब ओपन के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लड जो होगा वो पूरा एक ओपन बॉडी के अंदर चला जाएगा, ओपन स्पेस के अंदर चला जाएगा, जिसे साइनस भी बोलते हैं। देखिए, इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड साइनस। तो यानी पूरा ओपन स्पेस, जिसे आप साइनस भी बोल सकते हो बॉडी कैविटी को, वहां पर आपका ब्लड डायरेक्टली चला जाता है। बट जो आपके एनेलिडा फाइलम हो गई, जो आपकी कोडेटा फाइलम हो गई, वहां पर आर्टरीज वेन्स वगैरह होता है, पूरा एक नेटवर्क बना होता है ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज वगैरह का, उससे जो ब्लड होता है वो एक क्लोज पाथवे में ही चलता है, भटकता नहीं है इधर उधर। तो एनेलिड्स एंड कोडेटा हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ द फ्लूड कैन बी मोर प्रीसीसली रेगुलेटेड। तो अगर आपसे पूछे ओपन और क्लोज में मोर एडवांटेज किसका है, तो वो क्लोज का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट हो पाता है, अच्छे से उसकी सप्लाई हो पाती है। वरना आप देखो, ये पूरी बॉडी ओपन कैविटी अगर रहेगी तो एक बार ब्लड चला गया वो पता नहीं कब जाकर घूमकर वापस हार्ट में आएगा, बट सारा सर्कुलेटरी पाथवे अगर क्लोज रहेगा तो वो आसानी से वहाँ पर घूमकर आ जाएगा। ओके, अब आप ये सोचिए कि अगर बाइक रेस वगैरह, कार रेस वगैरह जैसे होती है फन, तो उनका एक पूरा एक ट्रैक बना होता है, तो उन्हीं पर उनको रेस करनी पड़ती है। अगर वो ट्रैक वगैरह आना, तो कोई इधर जा रहा, कोई इधर, पता ही चलेगा कि कहाँ से जाना है कहाँ से आना है। तो वो एक, इनको जो है वो क्लोज के अंदर भी ऐसा ही होता है, पूरा एक नेटवर्क बना होता है, उसी के अंदर उनको सर्कुलेट करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आगे हर्ट्स के बारे में। तो हार्ट में आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर मेनली हम थ्री टाइप के हार्ट्स की बात करेंगे, टू चैम्बर, थ्री चैम्बर और फोर चैम्बर हार्ट के बारे में बात करेंगे। आप कहोगे वन चैम्बर कुछ नहीं होता, मिनिमम टू होते ही होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल। ओके, ऑल वर्टीब्रेट्स पोजिस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। तो यहाँ पर हर एक वर्टीब्रा जो भी होता है, वर्टीब्राटा के अंदर भी हम अलग अलग क्लासेस पढ़ते हैं, सुपर क्लास और क्लास में। तो अगर आपने एनिमल किंगडम, फिर बता रहा हूँ एनिमल किंगडम से इसीलिए बहुत ज्यादा लिंक करें, तो जितने भी वर्टीब्रेट्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है हार्ट। और मेनली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम पिस्कस के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, एवीज के बारे में और मैमल्स के बारे में। ओके, जो लास्ट के फाइव क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिशिज आ जाता है आपकी पिस्कस के अंदर, जहाँ पे हमने कॉन्ट्रियोइक्टस और ऑस्टियोइक्टस भी पढ़ी थी। कॉन्ट्रियो यानी जहाँ पे कार्टिलेज का स्केलेटन था, और ऑस्टियोइक्टस जहाँ से बोन्स का स्केलेटन था, वो सब कुछ। हैव ए टू चैम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रियम एंड ए वेंट्रिकुलर। तो वहाँ पर फिशिज के अंदर केवल टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, एक आपका एट्रिया होगा और सेकेंड आपका वेंट्रिकल होगा। एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल दैट इज एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और ये भी हमने पढ़ा था और यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए थे, वो भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर जो आपका रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स के अंदर जो क्रोकोडाइल होता है उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं आपके स्नेक वगैरह, उन सब के अंदर केवल थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, और एम्फीबियंस के अंदर भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। हैव ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड ए सिंगल वेंट्रिकल। तो वन चैम्बर्ड होगा, टू चैम्बर्ड होगा वहाँ पे एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, थ्री चैम्बर्ड होगा वहां पे टू एट्रिया और वन वेंट्रिकल होंगे, और अगर फोर चैम्बर्ड होगा तो वहां पे टू ही एट्रिया होंगे और टू ही वेंट्रिकल होंगे। वेयर एज क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स पोजेस ए फोर चैम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल। तो सबसे पहले आपको ये हार्ट समझ में आ गया, टू चैम्बर्ड में क्या होगा, एट्रिया वेंट्रिकल, दो चैम्बर्ड हो गया। थ्री में क्या होगा, एट्रिया एट्रिया वेंट्रिकल। ओके, और फोर में क्या होगा, एट्रिया एट्रिया वेंट्रिकल वेंट्रिकल। समझ में आ गया? ओके, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर बात करें कि पूरा वो सर्कुलेशन कैसे होता है आपका जो हार्ट होता है उसके अंदर।
इन फीसिस द हार्ट पंप्स आउट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन विच एनिमल द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड आउट थ्रू द हार्ट। तो जो आपके टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वहां पर कोई भी फीसिस जो होगी आपकी ओस्टियोइक्टस और कोंड्रियोइक्टस वाले एग्जाम्पल वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और इसीलिए बोल रहा हूँ एनिमल किंगडम से पूरा यह लिंक कर रहा है। विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। तो ये एक सिंगल सर्कुलेशन हो जाता है। इसको मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ऐसा समझिए, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो गिल्स है, ओके, और यहाँ पर जो है वो हार्ट है, ओके। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये पूरी हमारी बॉडी है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से आपकी जो बॉडी है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले गिल्स के पास आएगा, गिल्स से वो ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, मान लीजिए बॉडी में आ दी, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो वापस जो आपका हार्ट के पास आएगा। तो ये जो आपके एच से हार्ट है, ये आपका गिल्स है, और ये मान लीजिए बी से बॉडी है। तो यहाँ पर ऐसे चलेगा, यहाँ पर टू चैम्बर होंगे एट्रिया और वेंट्रिकल, तो यहाँ पर ऐसे सप्लाई चलेगी, और यहाँ पर जो गिल्स है वो क्या करेंगे, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेंगे, ब्लड को क्या करेंगे ऑक्सीजनेटेड करेंगे, बॉडी में जाके ब्लड क्या हो जाएगा वापिस डी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ऐसा सप्लाई चलती रहेगी, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में आएगा फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा फिर वापस डी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वही हार्ट के पास जाएगा, हार्ट वापस पंप कर देगा गिल्स की तरफ, और गिल्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, तो ये आपका सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। और यहाँ पे जो है वो आपका कहीं पर ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, कहीं पर डी ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, तो वही एक सिंपल साइकिल चलती रहती है। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। अब हम बात करेंगे जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल होते हैं जहां पर थ्री चैम्बर्ड होता है उनके अंदर क्या होता है। देखिए लिखा है इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रिया, ओके, लेफ्ट एट्रिया रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स लंग्स स्किन एंड द राइट एट्रिया गेट्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। अब देखिए यहां पर आप ये कहोगे कि या फिर ये गिल्स लंग्स और स्किन क्यों लिखा हुआ है, तो हमने बात की थी कि यहां पर जो एम्फीबिया होते हैं वो कुछ ऐसे एम्फीबिया होते हैं जो स्किन से भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गिल्स से भी कर सकते हैं, और मेनली रेप्टाइल्स वगैरह तो जो होते हैं वो लंग्स से करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं वो गिल्स लंग्स या स्किन होते हैं, तो वहाँ पे पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा आपका और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा, तो दोनों ही आएंगे यहाँ पर, ओके, और वो मिक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल के अंदर क्योंकि वेंट्रिकल केवल सिंगल है। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, तो इधर से ऑक्सीजनेटेड आएगा एक एट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, दूसरे एट्रिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जब वो दोनों ही वेंट्रिकल में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे, मतलब इधर ऑक्सीजनेटेड वाला भी वहीं गया है डीऑक्सीजनेटेड वाला भी वहीं गया है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा वो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। द प्लांट विक्स, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ध्यान रखना इसको हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन, ना इसको हम ऐसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, ना ऐसा बोलते हैं हम हाफ सर्कुलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, नाम याद रखना इनकम्प्लीट बोलते हैं वो डबल सर्कुलेशन। पूरा डबल सर्कुलेशन वाला प्रोसेस ही चलता रहता है, बट होता क्या है एक्चुअल में यहां पर मिक्स अप हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है मिक्सड अप हो जाता है। अब बर्ड्स और इनकी बात कर रहे थे, देखिए इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पासिस ऑन टू द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, क्योंकि यहां पर दो ही एट्रिया है दो ही वेंट्रिकल है, तो उसकी वजह से क्या होगा यहां पर एक साइड में केवल ऑक्सीजनेटेड चलेगा और दूसरी साइड में केवल डी ऑक्सीजनेटेड चलेगा। अब आप आगे जाकर क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो डी आर, डी से हो गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर से हो गया राइट साइड, तो जो आपका राइट एट्रिया और जो आपका राइट वेंट्रिकल है उधर आपका जो ब्लड चलेगा वो कैसा चलेगा डीऑक्सीजनेटेड चलेगा, तो अब लेफ्ट में कौन सा चलेगा ऑक्सीजनेटेड चलेगा, तो एल ओ, एल से क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, ओ से क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना है, राइट और लेफ्ट में अगर कंफ्यूज होते हैं तो डॉक्टर में तो कंफ्यूज नहीं होगे डी आर से, तो डी से डीऑक्सीजनेटेड आर से राइट, तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इन द राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड है ऑक्सीजनेटेड है, उसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, चलिए
तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक साइड केवल आपका जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, दूसरी साइड केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, तो वहां पर वो मिक्सअप नहीं होते हैं। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, यहां पर कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। द टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, हेंस दीज हैव डबल सर्कुलेशन। तो इसीलिए यहां पर दो अलग अलग पाथवे चलते रहते हैं, एक साइड केवल ऑक्सीजनेटेड, एक साइड केवल डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। लेट अस स्टडी बाय ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले यहां पर आपको उसको और अच्छे क्लियर कर देता हूं मैं। ये तो ह्यूमन हार्ट है। जब हम एनसीईआरटी में आगे जाते हैं तो वहां पर इसका डायग्राम अच्छे से दिया हुआ, और यहां पर आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी डबल सर्कुलेशन वाली। अब यहां पर देखिए, जो वायलेट कलर में दिया हुआ है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड में दिया हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां पर ये जो आपका पूरा हार्ट बना हुआ है, ये आर ए क्या है, राइट एट्रिया, आर वी क्या है, राइट वेंट्रिकल। तो मैंने डी आर से बताया था, तो डी से मतलब डी ऑक्सीजनेटेड चल रहा है इधर, ये राइट वाले हैं, चाहे वो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, इधर डी ऑक्सीजनेटेड चल रहे हैं। ये लेफ्ट से एल ए, एल ए वो नहीं है लॉस एंजलिस वाला, ये एल ए से आपका कौन सा है लेफ्ट एट्रिया, और एल वी से कौन सा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इधर कौन सा चल रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर देखो, अगर आप इसको ऐसा आप में डिवाइड करते हो, इधर केवल ऑक्सीजनेटेड चल रहा है, इधर केवल डीऑक्सीजनेटेड चल रहा है, बट ब्लड के हम केवल हार्ट की बात करते हैं। आप ये कहोगे कि ये जो डबल सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, या फिर जो आपका सिंगल सर्कुलेशन है, वो केवल हार्ट को देखा गया है, हार्ट में केवल केवल ऑक्सीजनेटेड या फिर केवल केवल डीऑक्सीजनेटेड चल रहा है, तो वो आपका सिंगल सर्कुलेशन है, मतलब ब्लड में केवल एक ही टाइप का चल रहा है। अगर ब्लड में मिक्स हो रहा है तो वो इनकम्प्लीट डबल हो रहा है, और अगर हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड अलग रह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड अलग रह रहा है, तो वो डबल सर्कुलेशन है। यहां पर हम ये बात नहीं करेंगे, आप ये कहोगे हाफ साइड हाफ साइड, हम यहां पर बात करें मेनली हार्ट की, कि हार्ट में क्या चल रहा है। तो हार्ट में दो अलग अलग चल रहा है, एक साइड केवल ऑक्सीजनेटेड, एक साइड केवल डीऑक्सीजनेटेड, तो उसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोला गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ये कहोगे कि जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए होता क्या है, सिंपल समझिए, यहां पर मान लीजिए वेंट्रिकल केवल एक है आपका, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया ये दो अलग अलग है। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर जैसे ही आएगा तो जब राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां पर कोई अलग चीज होगी नहीं, यहां पर केवल और केवल एक ही वेंट्रिकल होगा, तो वो जो वेंट्रिकल होगा वो मिक्स ब्लड को ही यहां पर भेजेगा ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए, और उसी मिक्स ब्लड को वो इधर भेज देगा, और कोई चेंज नहीं है यहां पर, बस सेम ऐसा ही होता है। वहां पर क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड को ही, वो ऐसा नहीं है प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ऑक्सीजन करवाने के लिए, नहीं, मिक्स्ड ब्लड को ही ऑक्सीजन करवाता है और फिर यहां पर मिक्स्ड ब्लड को ही आगे भेज देता है। तो वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ऑक्सीजनेटेड केवल इतना ही चलता है, जो उसके किसी भी काम का नहीं है, तो उसकी बॉडी में भी जो है वो मिक्स्ड ब्लड चलता है, फिर वहां पर वो प्योर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इधर प्योर डीऑक्सीजनेटेड आता है, इधर प्योर ऑक्सीजनेटेड आता है, फिर वो वापिस मिक्सअप हो जाता है। तो कुछ मिक्सअप जो होता है उसको भेज दिया जाता है लंग्स की तरफ या स्किन की तरफ या गिल्स की तरफ, कि वहां से ऑक्सीजन हो जाए, और बाकी को भेज दिया जाता है बॉडी के अंदर, वहां पर वो वापिस डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऐसा चलता रहता है। तो वो होता है किसके अंदर, इनकम्प्लीट के अंदर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। ओके, क्वेश्चन रह गया था हमारा नी 2015 वाला, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, यानी दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे हमें किसके अंदर देखने को मिलेंगे, फ्रॉग, लिजार्ड, व्हेल या शार्क। तो देखिए, फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियम आता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, वहां पर सेपरेट अलग अलग नहीं होते हैं। लिजार्ड जो होती है वो रेप्टाइल में आती है, वहां पर भी नहीं होता है। व्हेल जो होती है वो मेमल्स के अंदर आती है। सार्क आपकी पिस्कस के अंदर आती है। एनिमल किंगडम के एग्जांपल हैं साफ साफ। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका व्हेल। व्हेल किसके अंदर आती है, मेमल्स के अंदर। मेमल्स के अंदर आप जाकर दोबारा एग्जाम्पल देख लेना, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए।